इसका प्राइस 4000 है। तो सोचिए 4000 में आप एक फ़ोन भी नहीं खरीद सकते हैं और यहाँ पे आपको लैपटॉप मिल रहा है कि 5000 में आप इसको घर लेके जा सकते हैं, मतलब 5000 में आप लेके जा सकते हैं इस लैपटॉप को, 12500 में ये लेके जा सकते हैं हमारे दर्शक। ये बताइए इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस है 17500। आज फिर हाजिर हैं हम एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकेंड हैंड लैपटॉप का एक बहुत ही बड़ा शॉप जो कि नवादा में स्थित है, नवादा स्टेशन के आसपास। तो अगर आप नवादा से बिलोंग करते हैं और आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है तो आप बेहिचक IT कंप्यूटर नवादा में आ सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुकान का ओनर क्या नाम हुआ सर आपका? रिजैन। इनका रिजैन नाम है और ये यहाँ पे इनका ये दुकान का ओनर है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये लैपटॉप जो है आपका कौन कौन सा ब्रांड का यहाँ लैपटॉप मिल जाता है? HP मिल जाएगा, डेल मिल जाएगा, ASUS मिल जाएगा, मतलब कि सारा ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है जी। मतलब यहाँ आपको सारा ब्रांड मिल जाएगा। अच्छा, प्राइस की बात अगर किया जाए तो स्टार्टिंग प्राइस आपके पास लैपटॉप का क्या है? स्टार्टिंग प्राइस 4 से 5 हज़ार तक। मतलब कि अगर आप लैपटॉप लेने आते हैं तो बेल मेंटेन में आपको लैपटॉप मिल जाएगा 4 से 5 हज़ार के अप्रॉक्स में। मतलब शुरुआती जो रेट है 4 से 5 हज़ार, और बाकी अगर आप कॉन्फ़िगर बढ़ाना चाहते हैं जैसे i7, i5, i9 में अगर लेना चाहते हैं तो जिस तरीके से आप लेवल आगे बढ़िएगा उस तरीके से प्राइस इंक्रीज होते चले जाएगा। तो ये सब है। अच्छा, ये बताइए कि अगर हमारे दर्शक यहाँ वीडियो दिखा के आपके पास लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ उपहार आप दे सकते हैं और रेट में कुछ मतलब नीचे कर सकते हैं? मतलब अगर कोई मेरा दर्शक आया और यहाँ बोल दिया कि हम उनके वीडियो देख के आए हैं तो उसका रेट में थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं उसमें कम? जी, मार्केट से कम ही डिस्काउंट में लगा देंगे और प्लस में माउस कीपैड। ये तोशिबा कंपनी का है जी। तोशिबा है, डुअल कोर है प्रोसेसर, 4GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क, फुल कंडीशन में देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये तोशिबा कंपनी का लैपटॉप है और बेल मेंटन है। मतलब कि इसका अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात किया जाए तो कितना बैकअप ये दे सकता है? 2 घंटा बैटरी बैकअप। तो इसका 2 घंटा बैटरी बैकअप है। जब आप अगर नया लेते हैं लैपटॉप तो उसका बैटरी बैकअप लगभग उतना ही रहता है, 2 घंटा 3 घंटा के बस थोड़ा। लेकिन ये आपको सेकेंड हैंड लैपटॉप है और बहुत ही कम प्राइस में। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 4000। इसका प्राइस 4000 है। तो सोचिए 4000 में आप एक फ़ोन भी नहीं खरीद सकते हैं और यहाँ पे आपको लैपटॉप मिल रहा है। अच्छा, इसमें हार्ड डिस्क कितना लगा हुआ है? 500GB हार्ड डिस्क। 500GB हार्ड डिस्क है और 4GB रैम है। तो इसमें है कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ऑफिस का कोई वर्क करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अच्छा, इसके बाद और नेक्स्ट लैपटॉप दिखाइए आप। ये देखिए लेनोवो है। ये देखिए तोशिबा ब्रांड का लैपटॉप था और ये है लेनोवो। लेनोवो है कोर i3। ये है कोर i3 लैपटॉप और इसका हार्ड डिस्क क्या है और रैम कितना लगा हुआ है? i3 है, 5th जनरेशन है, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क है। तो इसमें 500GB हार्ड डिस्क लगा हुआ है और 4GB रैम है जी। तो ये भी तो बेल मेंटन लग रहा है, एकदम न्यू की तरह ये लैपटॉप है, न्यू और एकदम स्लिम भी है। मतलब कि ये लैपटॉप अगर इसको हमको लगता है कि थोड़ा मोड़ा अगर साफ कर दिया जाए तो नया हो जाएगा, तो ये नया लैपटॉप है मान के चलिए। अच्छा, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 15500। तो 15500 में आपको लेनेवो का कोर i3 लैपटॉप मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से नया ख़रीदते हैं तो इसका रेट आपको 35 से 40 हज़ार के अप्रॉक्स में आ जाएगा, 35-40 हज़ार के अप्रॉक्स में ये आता है। तो ये मेरे पास एक HP का लैपटॉप है, रेड कलर का, बहुत ही वेल मेंटेन है, लग रहा है जैसे कि नया लैपटॉप है ये। ये HP का लैपटॉप है। अच्छा, ये कोर i3 7th जनरेशन लैपटॉप है,
चार जीबी रैम 500 GB हार्ड डिस्क है, प्लस ग्राफिक्स है इसमें। अच्छा, इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। जी, ग्राफिक्स कार्ड, मतलब कि इसमें अगर गेम खेलना चाहेगा तो खेल सकता है बहुत अच्छी तरीके से, वीडियो एडिटिंग कर सकता है इसमें बहुत अच्छी तरीके से। मतलब आप अगर एक यूट्यूबर हैं और वीडियो एडिट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहां से सेकेंड हैंड लैपटॉप लेके जाइए और इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप परचेज मार्केट से करके आप इंस्टॉल कीजिए और वीडियो एडिटिंग आप इस लैपटॉप में बड़ी आसान से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, प्लस में ये 4th generation का लैपटॉप है और कोर i3 प्रोसेसर है। तो आपको इसका, अच्छा ये बताइए इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस है 17,500। तो 17,500 में आपको HP का इतना बढ़िया लैपटॉप कहीं मार्केट में मिलने वाला नहीं है। किसी भी तरीके का अगर लैपटॉप से आपको काम है तो आप इस लैपटॉप से कर सकते हैं, बहुत ही वेल मेंटेन लैपटॉप है। अब हम दूसरा लैपटॉप आपको दिखाते हैं, उसके बाद लैपटॉप ये शायद इसके बारे में आप बताइए। ये आसूस का लैपटॉप रखा हुआ है, वाइट कलर का, बहुत ही अच्छा है। इसका ये बताइए कि इसमें प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितना है? इसका आसूस का लैपटॉप है, पेंटियम क्वाड कोर प्रोसेसर है। अच्छा, पेंटियम का क्वाड कोर प्रोसेसर, तो इसका रेट तो जेन्युइन होना चाहिए। क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क है, फुल कंडीशन है, कंडीशन देख सकते हैं आप, कंडीशन एकदम न्यू की तरह है ये जी। इसका प्राइस है 5,000। तो इसका प्राइस आपको 5,000 में ये मिल जाएगा, मतलब कि 5,000 में एक्स्ट्रा कुछ और लगाना है कि 5,000 में आप इसको घर लेके जा सकते हैं, मतलब 5,000 में आप लेके जा सकते हैं इस लैपटॉप को 5,000 में। ये लैपटॉप अगर आप कहीं बाहर से खरीदते हैं तो इतना अच्छा लैपटॉप आपको 5,000 में नहीं मिलने वाला है। तो अच्छा, इसका बैटरी बैकअप कितना चलता है? बैटरी बैकअप 2 घंटा देगा। तो सोच लीजिए कि 2 घंटा बैटरी बैकअप मिलेगा ओनली फॉर 5,000। तो ये एक लैपटॉप है, बहुत ही ठोस लैपटॉप दिख रहा है और थोड़ा छोटा भी है। इसका साइज क्या है? 15.5 inch साइज है इसका। इसका साइज 15.5 inch है और इसका प्रोसेसर और रैम कितना लगा हुआ है इसमें? सबसे पहली बात तो ये डेल का लैपटॉप है, 180 degree है। अच्छा, ये 180, इस चीज़ को तो हम ध्यान ही नहीं दिए हैं, देख सकते हैं ये पूरा सीधा हो जाता है इसका डिस्प्ले, तो ये एक बेहतर चीज़ हमको देखने को मिला है। बाकी इसका कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे बता दें। इसका है डेल कोर i5 है, 3rd generation लैपटॉप है, 4 GB रैम प्लस 500 GB हार्ड डिस्क है। अच्छा, इसमें 4 बैकअप है, कॉमर्शियल लैपटॉप। इसका बैकअप कितना है? 4 घंटा जी हाँ। सोच सकते हैं कि अगर आप एक बहुत बड़ा बैटरी खरीद के रख लीजिए, 4 घंटा बैकअप हमको लगता है कि आपका CPU या फिर नहीं दे सकता है, लेकिन ये लैपटॉप आपको 4 घंटा बैकअप दे सकता है। मतलब कि मान के चलिए अगर आप इसको ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं तो रात में आप अपने घर में चार्ज कीजिए और दिन भर काम कीजिए, उसके बाद लेके आ जाइए, मतलब इसको चार्जर ढोने का ज़रूरत नहीं है इस लैपटॉप में। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 12,500। तो इसका प्राइस आपको 12,500 रुपये में होने वाला है। तो ये 12,500 में ये लेके जा सकते हैं हमारे दर्शक। और प्लस में क्या है कि अगर आप हमारे वीडियो दिखाते हैं यहाँ पे कि हम आपके वीडियो के माध्यम से इस दुकान में आए हैं, तो आपको इससे लैपटॉप के साथ साथ कुछ उपहार हो देने वाले हैं। तो वो उपहार है कि कीबोर्ड और माउस आप फ्री में लेके जा सकते हैं, मतलब कि 12,500 में ये लैपटॉप लेके जाइए और प्लस में चार्जर, इसका चार्जर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो इतना चीज़ आपको मिलने वाला है। और दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है, नया भी मिल जाएगा, सेकेंड हैंड भी। हाँ, तो यहाँ पे अगर आपको नया परचेज करना है डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो इनके पास डेस्कटॉप का भी बहुत सारा खजाना है, सेकेंड हैंड में आप लैपटॉप ले सकते हैं या फिर डेस्कटॉप ले सकते हैं। और अगर आपको नया परचेज करना है तो नया भी आप यहां से परचेज कर सकते हैं, यही ना। अगर हमारे दर्शक यहां आना चाहते हैं तो यहां का आप एड्रेस हमारे दर्शक को ज़रूर बताएं। नवादा स्टेशन, स्टेशन रोड, स्टेशन गेट के सामने SBI ATM रहेगा, उसके सामने जस्ट IT कंप्यूटर। तो अगर आप नवादा स्टेशन आते हैं और नवादा स्टेशन के गेट से जब बाहर होइएगा तो आपको SBI का एक ATM दिखेगा, SBI ATM के इर्द गिर्द आपको IT कंप्यूटर मिल जाएगा, मतलब 2-4 कदम के आसपास में ही। और इनका हम नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे और इनका मैप भी हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए
और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।